राजनांदगांव में एक युवक ने कलेक्ट्रेट पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया है। पीड़ित की माने तो आवागमन के रास्ते में भवन निर्माण का कार्य शुरू होने के चलते परिवार को परेशान होना पड़ रहा है। मामले में पहले भी दो बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन आत्महत्या करने को वो मजबूर हुआ। रजिस्ट्री पेपर में 10 फीट का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन अब इसी खाली जगह पर भवन निर्माण का कार्य अन्य व्यक्ति के द्वारा शुरू कर दिया गया है और इस क्षेत्र में कोई भी रास्ता नहीं होना बता रहे हैं। मोतीपुर रामनगर थाना क्षेत्र का यह बुरा मामला है। अब मैं ये आखिरी बार जनदर्शन दो बार हुआ है मेरा, अब ये तीसरे बार मैं आया हूँ और अगर ये निर्णय नहीं होता तो मैं बहुत बड़ा यहाँ पर कदम उठाने वाला हूँ, वो भी आत्महत्या का। सीधा मट्टी तेल डालूंगा कलेक्टर के सामने में, छिड़काव करूंगा, उसके जिम्मेदार कलेक्टर साहब भी होंगे और जो जो अधिकारी जो आए थे वहाँ भी कई बार आ चुके हैं, वो देख चुके हैं वो सब चीज को, उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। अभी वो व्यक्ति मेरे पास जनदर्शन में आया था और मैंने SDM और तहसीलदार को लिखा है, वो तत्काल मौके पर जाएं और देखें कि क्या अवैध प्लाटिंग था या कैसे वहाँ पर आवंटन हुआ है। प्लाटिंग के माध्यम से हुआ है तो उसका नक्शा क्या था उसको निकाल के देखें, और यदि वास्तव में रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है तो उसको हटाने के संबंध में कार्रवाई करें।